दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि जब कभी आप चिंता या तनाव में होते हैं या फिर आप कभी कोई अप्रिय समाचार सुनते हैं, तब आपका हाथ खुद ब खुद ही आपके सिर की ओर चला जाता है, या फिर इसके विपरीत, जब कभी आप प्रसन्न होते हैं तब आपका सिर ऊपर व हाथ फैल जाते हैं। भला ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका शरीर मन में चल रहे विचारों से स्वयं को बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, और न सिर्फ विचारों से बल्कि आपका शरीर लगातार अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा का आदान प्रदान करता रहता है। और यही वजह है कि जब आप कोई दुख देने वाली बात सुनते हैं तब आपका सिर भारी होकर झुक जाता है, और जब आप प्रसन्न होते हैं तब आपका सिर ऊपर उठ जाता है। यदि आप इस बात को गहरे अर्थों में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हाथ की उंगलियां ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचती है, जिससे कि आपका शरीर, मन, बुद्धि व भाग्य पर बहुत ही गहरा असर होता है। आपके हाथों की पांचों उंगलियां पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठे में अग्नि, तर्जनी में वायु, मध्यमा में आकाश, अनामिका में पृथ्वी व कनिष्का में जल तत्व विद्यमान रहता है, जबकि आपके पैरों की उंगलियों से शक्ति बाहर की ओर जाती है। इसीलिए हम किसी सिद्ध पुरुष के पैरों को स्पर्श करते हैं ताकि उनसे निकलने वाली ऊर्जा को ग्रहण कर सकें। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको 6 ऐसी अद्भुत मुद्राओं के बारे में बताएंगे जिन्हें करके आप अच्छा स्वास्थ्य, अपार धन, सौभाग्य व समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिन लोगों को वायु विकार या वात संबंधी रोग जैसे लकवा, साइटिका, गठिया, संधिवात या शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द रहता है, तो उन्हें वायु मुद्रा से आश्चर्यजनक लाभ होता है। इस मुद्रा को करने के लिए आप सबसे पहले अपनी तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाते हुए इसे हल्का सा दबाएं व शेष उंगलियों को सीधा अर्थात आरामदायक अवस्था में रखें। चलिए अब बात करते हैं दूसरी मुद्रा की। दोस्तों, जिन लोगों को कान संबंधी रोग है, हड्डियां कमजोर है व जो हृदय रोग के शिकार है, तो उनके लिए आकाश मुद्रा बहुत ही लाभदायक हो सकती है। इस मुद्रा को करने के लिए मध्यमा उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं व शेष तीनों उंगलियां सीधी रखें। चलिए अब बात करते हैं तीसरी मुद्रा की। दोस्तों, जो लोग बहुत दुबले पतले हैं, जिनका पाचन तंत्र खराब है, शरीर में स्फूर्ति का अभाव है, चेहरे पर कांति व तेज का अभाव है, सात्विक गुणों में कमी, दिमाग में अशांति है, तो इनके लिए पृथ्वी मुद्रा बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इस मुद्रा को करने के लिए आप अनामिका उंगली को अंगूठे से लगाकर रखें व अन्य उंगलियों को सीधा रखें। चलिए अब बात करते हैं चौथी मुद्रा की। दोस्तों, जिन लोगों को चर्म रोग, रक्त विकार, शरीर में रूखापन या मुहासे हैं, उनके लिए वरुण मुद्रा बहुत ही लाभकारी होती है। इस मुद्रा को करने के लिए आप कनिष्का उंगली को अंगूठे से लगाकर मिलाएं व अन्य उंगलियों को सीधा रखें। चलिए अब बात करते हैं पांचवी मुद्रा की। दोस्तों, जो लोग मधुमेह, मोटापे या तनाव इत्यादि प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है, तो उनके लिए सूर्य मुद्रा बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इस मुद्रा को करने के लिए अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल पर लगाकर अंगूठे से दबाएं व अन्य सभी उंगलियों को सीधा रखें। चलिए अब बात करते हैं छठी मुद्रा की। दोस्तों, जिन लोगों को सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, साइनाइस व निम्न रक्तचाप इत्यादि प्रकार के रोग हैं, तो इनके लिए लिंग मुद्रा बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इस मुद्रा को करने के लिए आप अपनी मुट्ठी बांधे व बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा रखें व अन्य उंगलियां बंधी हुई रखें। चलिए अब बात करते हैं सातवीं मुद्रा की। दोस्तों, जिन लोगों का मन व इच्छा शक्ति कमजोर है, जिनकी बातें प्रभावशाली नहीं है, जिनके कोई काम आसानी से नहीं बनते, उन लोगों के लिए कुबेर मुद्रा अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। यदि एक बार कोई साधक इस मुद्रा में पारंगत हो जाए तो फिर वो बहुत ही सहजता से अपार धन, सुख समृद्धि व विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां पाने में समर्थ हो जाता है। लोग स्वतः ही आगे आकर उसकी मदद करने लगते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा उंगली के ऊपरी सिरे को मिलाएं व अन्य दो उंगलियों को मोड़कर हथेली से सटाएं। वैसे दोस्तों, उपरोक्त सभी मुद्राओं को करने का अपना एक अलग ढंग व रीति होती है। कोई मुद्रा किसी के लिए लाभदायक तो किसी के लिए किसी विशेष दशा में हानिकारक भी हो सकती है। साथ ही इन्हें करने का लगभग 3 से लेकर 30 मिनट तक का समय हो सकता है, इसीलिए आप इन मुद्राओं को किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें।
तो दोस्तों ये थी जानकारी मुद्राओं के संबंध में। आशा करते हैं ये आपके लिए अत्यंत ही कल्याणकारी सिद्ध होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।